तो गाइस आ चुका है ठंड का मौसम, और ठंड के मौसम में यानी कि विंटर सीजन में कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और हमारे बाल जो है बहुत ज्यादा हेयर फॉल के शिकार होने लगते हैं। ऐसे भी आपको अगर हेयर फॉल होते थे बट ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ही एक्सेस लेवल पे, तो गाइस उसको किस तरह से हटाया जाए आज की वीडियो में वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और गाइस अगर ये सब आप करते हो तो आपके बाल जो है बहुत ज्यादा कम झड़ने लगेंगे। और गाइस ये सब पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से सुनना है और अच्छे तरीके से अपने बालों पे अप्लाई करना है। ये एक तरह से विंटर सीजन हेयर केयर रूटीन भी है। सो गाइस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो गाइस कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। देखो यार लाइक बहुत कम आता है, बहुत कम आप लोग लाइक करते हो, लाइक करने बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो। सो गाइस लाइक करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और मैं भी थोड़ा ग्रो कर सकूं। सो गाइस प्लीज अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और गाइस सीधे बिना डिले के सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो यार सबसे पहला जो चीज है ना वो है कि ठंड के मौसम में होता क्या है कि जो एयर चलती है, एयर जो है बहुत ज्यादा ड्राई होती है, यानी कि जो ड्राइनेस जो एयर में होता है वो क्या करता है कि आपके स्किन को ही सुखाता है। ऐसा नहीं आपके बालों के स्कैल्प को बहुत ज्यादा सुखाने लगता है, लिप्स स्किन बहुत ज्यादा सूखती है आप देखते होंगे, तो उसी तरह से आपके हेयर का स्कैल्प भी जो है बहुत ज्यादा सूखने लगता है, और ड्राई होने की वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और गाइस साथ ही साथ आपका जो नेचुरल ऑयल है वो सब सूख जाता है, और गाइस आपके बालों में न्यूरिशमेंट का जरा सा भी अवशेष नहीं रहता है, यानी जरा सा भी न्यूरिशमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है। सो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज की आपकी ऑयल मसाज करनी है। जी हाँ गाइस, आप अपने विंटर हेयर केयर रूटीन में सबसे पहला चीज आपको ऐड करना है कि आपको ऑयल मसाज करनी है। आपके बालों में जब ऑयल रहेगा तो गाइस आपको जो है नेचुरल ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर बहुत कम से कम पड़ेगी। सो गाइस वो बैलेंस होकर चलेगा और आपके स्कैल्प हमेशा हाइड्रेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में जो है डैंड्रफ पैदा नहीं होगी, और गाइस आपके बालों को न्यूरिशमेंट पहुंचाएगी, आपके बाल की हेल्थ बहुत ही अच्छा बना हुआ रहेगा। सो गाइस आपको डेली जो है डेली आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना है, या फिर अगर आप एक बार में ज्यादा लगाते हो तो गाइस आपको दो दिन तीन दिन पे आपको ऑयलिंग करना है। आपको क्या करना है, अगर आप डेली ऑयलिंग करते हो तो दो से तीन बूंद आप जो है लगा सकते हो, और नहीं करते हो तो तीन दिन पे आप आराम से जितना ऑयल चाहिए होता है आप बालों को अच्छा से ऑयलिंग करो, जिसकी वजह से आपके बालों में स्मूथनेस नहीं हुई रहेगी, आपके बाल का हेल्थ अच्छा बना हुआ रहे। सेकंड नंबर चीज है गाइस, हम लोग इस मौसम में भाई बहुत ज्यादा ठंड लगता है सुबह नहाने में, तो हम लोग गीजर के पानी से नहाते हैं, यानी कि गीजर का पानी जो है हॉट वाटर होता है, और हॉट वाटर जब आपके बालों के स्कैल्प पे पड़ता है तो वहां पे हीट आती है, और गाइस बालों को हीट से नफरत है समझ लो। अगर आप बालों को हीट देते हो तो आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा बेकार और बहुत ज्यादा खराब होने लगेंगे। सो गाइस आपको क्या करना है कि हीट से एकदम बचना है, इसलिए मैं आपको हेयर ड्रायर यूज करने के लिए नहीं बोलता हूं। सो गाइस बालों के स्कैल्प तक कहीं से भी हीट नहीं जाना चाहिए। सो गाइस आपको क्या करना है कि ल्यूक वार्म वाटर से आपको बालों का जो है आराम से आप कर सकते हो, आप पानी वानी मिला करके आप उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर लो, वहां से आप बालों का जो है आराम से अलग से आप वॉश कर लो, उसके बाद आप आराम से गीजर की पानी से आप बाकी साफ कर सकते हो अपने बॉडी को। सो गाइस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखना। थर्ड नंबर चीज क्या है, थर्ड नंबर चीज है गाइस विंटर स्किन केयर रूटीन में आपको थोड़ा सा डाइट ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस नॉर्मल डे से ही अलग होता है, इसमें आपको दो चीज बहुत ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि गाइस सीरम का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, मतलब लेवल वही होता है बट विंटर सीजन में ज्यादा जरूरत होता है, तो गाइस आपको विटामिन ए लेना पड़ेगा। जी हाँ गाइस विटामिन ए आप अगर लोगे तो आपके सीबम के प्रोडक्शन बहुत थोड़ा सा ज्यादा होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प बहुत अच्छा न्यूरिशमेंट उसमें आ जाएगा। और गाइस आपको चाहिए होगा विटामिन ई, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ पे ज्यादा चाहिए होगा विंटर के सीजन में, जिससे कि आपके बालों का स्कैल्प और न्यूरिशमेंट बना हुआ रहे। और गाइस आपको साथ में प्रोटीन का इंटेक भी थोड़ा सा ज्यादा कर देना है, क्योंकि गाइस अगर आपका सीबम की वजह से अगर आपका बाल में प्रॉब्लम आती है, डैंड्रफ आती है, तो गाइस आपका हेल्थ जो है बालों का वो कम होने लगेगा। सो गाइस बाल तो आपको पता होगा कि वो प्रोटीन यानी केराटिन के बने हुए होते हैं, सच टाइप ऑफ प्रोटीन जिसका कि हम लोग केराटिन कहते हैं, तो गाइस उससे बना हुआ रहता है, तो आपको प्रोटीन की इंटेक थोड़ा सा ज्यादा कर देनी है। ये तो था गाइस कि आपको हेल्दी डाइट लेना है और साथ में आपको न्यूट्रिशमेंट चाहिए। उसके बाद चौथा चीज है क्या कि आप यहां पे हेयर प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी मिनिमाइज कर दो। होता है क्या है कि हम लोग पार्टी में जाने के लिए यार यहां पे क्या होता है कि हम लोग का टोपी वगैरह कैप वगैरह अगर हम लोग लगा लेते हैं, या फिर गाइस हम लोग का बाल गैस सही नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग नहाते वहाते बहुत कम है ठंड में, एक दो दिन पे या फिर दो दिन पे, आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो कमेंट्स में लिखना। सो गाइस अगर ऐसा आप करते हो तो क्या करते हो कि वैक्स का यूज करते हो इंस्टेंट वॉल्यूम के लिए या फिर इंस्टेंट स्टाइल के लिए हेयर पे। तो गाइस यहां पे क्या करना होगा आपको कि स्कैल्प तक उस वैक्स को नहीं पहुंचाना, बहुत ही हार्मफुल होता है, और गाइस अच्छे वैक्स का यूज करना, और गाइस ज्यादा से ज्यादा कम से कम करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल भी मत यूज करो। सो गाइस यहां पे मिनिमाइज कर देना आपको हेयर प्रोडक्ट्स को, हेयर स्प्रे हो या फिर कुछ भी हो, हेयर ड्रायर हो या फिर हेयर वैक्स हो या फिर कुछ भी हो, आपको हेयर प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स को कम कर देना है। बट हाँ, यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है जो कि नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, ये है कि आपको हेयर प्रोडक्ट्स में एक चीज का यूज करना होगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है गाइज कंडीशनर। जी हाँ गाइज, हेयर कंडीशनर का यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑयल लगा लेते हो तो सही है, बट कंडीशनर क्या करता है कि आपके बालों में अच्छे तरह से सब जगह फैलता है और वो एक्चुअली हेयर के लिए ही बना हुआ होता है, वो अच्छे से हर जगह पहुंचता है, आपके डैंड्रफ को हटाता है और गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस यहाँ पे आपको कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस आप कंडीशनर आराम से बाई करके यूज़ डेली कर सकते हो या फिर एक दिन बीच करके भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद गाइस ये आता है नेक्स्ट नंबर पॉइंट कि अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दो और गाइस सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करना, यही था लास्ट का लास्ट पॉइंट। और गाइस पाँचों पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।